उधर यूपी के 14 जिलों के किसानों का अनिश्चितकालीन धरना जारी है। बड़ी जानकारी आपको दे दें, यूपी में 14 जिलों के किसानों का अनिश्चितकालीन धरना लगातार जारी है। ट्यूबवेल पर मीटर लगाने के विरोध में किसानों का धरना चल रहा है और मीटर को लेकर ऊर्जा भवन पहुंचे हैं किसान। किसानों के धरने में पंचायत जुटी है। किसानों ने सरकार से आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया। बता दें कि कल एक महापंचायत भी जो है इसके खिलाफ हुई थी, जिसमें आगे की रणनीति तैयार की गई थी। तो 14 जिलों के किसानों का जो अनिश्चितकालीन धरना है वो जारी है और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरठ से संवाददाता धर्मेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। धर्मेंद्र, कल महापंचायत और आज यहाँ पर प्रदर्शन के तौर पर जो है किसान मीटर लेकर पहुंच चुके हैं, पंचायतें जुटी हुई है किसानों के धरने में, उनको एक तरीके से समर्थन दे रही है और किसानों ने सरकार से एक बार फिर से आर पार की लड़ाई का ऐलान किया है। बिल्कुल प्रीति, मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार से कल से जो अनिश्चितकाल जो धरने पर बैठे हैं किसानों का, जिस प्रकार से यहाँ पर पंचायत महापंचायत लगातार यहाँ पर हो रही है और उनका साफ तौर पर एक यही कहना है कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं हो जाती, सरकार ने जिस प्रकार से उनसे दावे किए थे, कहा था कि आपके बिजली का बिल माफ होगा, उस चीज को भी लेकर लगातार यहाँ पर जो किसानों के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है नरेश टिकैत, उनका साफ तौर पर कहना है कि अगर जिस प्रकार से सरकार ने कहा था कि बिजली के बिल माफ किए जाए, लेकिन कहां बिजली के बिल माफ हो रहे हैं, वहां पर वो मीटर और लगा दिए गए हैं और बता उनका साफ तौर पर यही कहना है कि मीटर लगाए हैं तो उन पर 20-30 हजार रुपए का जो मंथली जो बिल आ रहा है उसका बजट उसको कहां से देंगे किसान क्या अपनी खेती को बेचेंगे, इस चीज को लेकर अड़े हुए हैं और अनिश्चितकाल के लिए धरने पर यहाँ पर बैठ गए हैं। खाने पीने की व्यवस्था की बात करें तो वो खुद खाने पीने की व्यवस्था अपना कर रहे हैं और साफ तौर पर जिस प्रकार से कल देखा गया है जितनी भारी संख्या में यहाँ पर किसान उमड़े हैं उससे साफ तौर पर अंदाजा लगाया जा सकता है कि 14 जिलों के जो किसान हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं। आपको बता दें कि पश्चिमी यूपी के 14 जिलों के किसान यहाँ पर आए हैं, लेकिन नरेश टिकैत का साफ तौर पर यही कहना है कि आखिर अगर हमारी मांग पूरी नहीं होती है तो पूरे उत्तर प्रदेश के किसान लगातार इस तरफ आएंगे और जब तक उनके जो बिजली के मीटर है उनको नहीं हटवा दिया जाता है, बिजली को बिल माफ नहीं किया जाता है। उन्होंने कई प्रदेशों को कहा कि पंजाब में कहा कि उन्होंने बिजली के बिल माफ हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में बिजली के बिल लगातार बढ़ रहे हैं उस चीज को लेकर भी। वहीं दूसरी तरफ किसानों का साफ तौर पर कहना है कि किसानों के जो बच्चे हैं अग्निपथ को लेकर भी उन्होंने जिक्र किया था और उन्होंने कहा था कि जिस प्रकार से बच्चों के साथ खिलवाड़ हो रहा है हम उस खिलवाड़ को भी नहीं होने देंगे अग्निपथ को लेकर। और दूसरी तरफ महापंचायत जिस प्रकार से कर रहे हैं बिजली के बिल को लेकर उस चीज पर डटे रहेंगे और जब तक इनकी समस्या का समाधान नहीं होता है वो अनिश्चितकाल धरना पर यहाँ पर बैठे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आज और भी भारी संख्या में यहाँ पर किसानों की पहुंचने की उम्मीद जो जताई जा रही है, पुलिस प्रशासन लगातार मौजूद है, लगातार किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर जिस प्रकार से मेरठ के ऊर्जा भवन बिल्कुल धर्म ये भी बताएं क्योंकि किसान जो है वो भारी संख्या में जुट रहे हैं, लगातार पंचायतें हो रही हैं, लेकिन क्या किसी राजनीतिक दल का किसानों को इस मुद्दे को लेकर समर्थन मिल रहा है? बिल्कुल, आपको बता दूं कि अगर मैं आपको बताऊं कि जिस प्रकार से किसानों के साथ साथ में सपा पार्टी के लोग भी वहां पर हैं, लेकिन उनका साफ तौर पर यही कहना है वो किसानों के बहस में वहां पर आए हैं और किसानों के साथ वो समर्थन कर रहे हैं। हालांकि अभी दूसरी पार्टियां और उनके बीच में नहीं आई है, फिलहाल आज देखा जाएगा कि किस प्रकार से अगर आज दूसरी पार्टियां भी क्या इनको समर्थन देती हैं। कहीं ना कहीं जिस प्रकार से बिजली की व्यवस्था की बात करें या फिर किसानों ने साफ तौर पर यही कहा है, जिस प्रकार से नरेश टिकैत से हमारी बात हुई, उन्होंने कहा है कि जिस प्रकार से खेती में को करने के लिए इतना नुकसान अब हमें भुगतना पड़ रहा है, सबसे बड़ी बात यह है कि बिल्कुल। तो किसान यहाँ पर एक बार फिर से जो है अपनी मांग को लेकर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं और अब मांग ये है, अब मुद्दा ये है कि जो ट्यूबवेल पर मीटर लग रहे हैं उसका विरोध किसान कर रहे हैं। शुक्रिया धर्मेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए इस तमाम जानकारी के लिए। और इसी को लेकर जो है लगातार पंचायतें हो रही हैं, आगे की रणनीति बनाई जा रही है और भारी संख्या में किसान जुट रहे हैं।